para kung ano. जिनको संकेत किया गया है माताएं बहनें एवं सज्जन महानुभाव वो कृपया इस मुख्य द्वार पर तुरंत पहुंच जाए। उसके बावजूद भी नगर परिषद का वोट कोर्ट के दो फैसला होने के बावजूद भी नहीं लग रहा मानसिकता नहीं है क्योंकि तुष्टिकरण की नीति पर चलते हैं कलेक्टर कोर्ट का। बहुत बड़ी रैली होगी, रैली भी नहीं होगी, इससे आगे बहुत ज्यादा होगा। बंद कराया जाएगा। समय रहते जिला प्रशासन को समझ लेना चाहिए और जो उचित कानूनी कार्रवाई बनती है या सतर्कता जो रखनी चाहिए उसके प्रति संवेदनशील होकर कुछ जिला प्रशासन पुलिस उसको बता रही है निर्दोष जबकि मेरे पास ठोस गवाह है, जिसने रात को 12 बजे देखा, 3 बजे देखा, पूरी घटना उसको भी पुलिस बोल रही है कि निर्दोष। मेरी दो बच्चियों के साथ हत्या करके खत्म कर दी, मेरे को कोई सर न्याय नहीं मिला। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ पैसा वैसा नहीं है, यहाँ तक आया हूँ आपके लिए। न्याय मेरी बेटियाँ हैं, दो बेटियों की हत्या होगी एक साथ और सर कोई मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। कोई गवाही देने वाला आता है उसको भी दबा देते हैं सर, ऐसा मामला। अब जब दो गवाह जैसे वो लड़का साथ में था उसको देखा था, लेकिन यानी आज इतने बच्चे ऐसे ये कह गए धर्म परिवर्तन करवा के उसने किया, अभी तक उसकी पूरी सही कार्रवाई अभी तक नहीं है सामने आ रही है। और अभी जो बाकी भी काफ़ी यहाँ के लोकल हो सकता है बूढ़ी का हाथ हो, क्योंकि अकेली तो वो जा नहीं सकती, बिना सपोर्ट वो भाग नहीं सकती, यहाँ से जाना सपोर्ट करना। उसने 3 बजे भेजे थे ना काम में सर, वो वीडियो तो वो एक कमरे में उसने पैक करके भेजा है। नहीं वीडियो की बात नहीं करेंगे, एसपी साहब ने टीम भेजी थी। नहीं वो तो भेजी है सर, दम से कर रहा है।
क्या टीम भी तो भेजी आप सामने देखिए। बाड़मेर जिले में बाहर के असामाजिक राष्ट्र विरोधी लोग अपना नाम बदल बदल कर यहाँ रह करके हमारी संस्कृति को कलंकित करने का तो प्रयास कर रहे हैं, और हमारी जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनके ऊपर अतिक्रमण हो या हमारी जो बहन बेटियों को लेवजेवाद के नाम पर फंसा कर ले जाना हो, इस प्रकार का जो देश विरोधी और संस्कृति विरोधी कार्य हो रहा है उसके खिलाफ संपूर्ण सनातन संस्कृति के लोग आक्रोश प्रकट करने आए हैं कि जल्दी यदि प्रशासन व्यवहारिक रूप से न्याय संगति की कार्रवाई नहीं करेंगे तो संपूर्ण समाज हिंदू समाज जा करके इसका प्रतिकार करेगा। सर, आपने थोड़ी देर पहले गांधी चौक में एक बयान दिया था, मुसलमानों की तुलना असुरों से की, इस बारे में आपका क्या कहना है? असुरों का तात्पर्य होता है जो दूसरे का परस्व का हरण करने वाले हो, दूसरे को अकारण ही दुख देने वाले हो, हत्या करने वाले हो, दूषित करने वाले हो, ऐसे जो कृत्य करने वाले उन्हें आतता या राक्षस कहा जाता है, और वो कार्य ये मुसलमान लोग करे किसी से छाना नहीं है, पूरा विश्व जानता है। आमजन से अपील है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी और संस्कृति विरोधी लोगों को तत्काल जो है व्यवहारिक दंड दिया जाना चाहिए ताकि पुनः ऐसा कोई कार्य करने की हिम्मत नहीं करे।